बड़ी खबर सामने आई है, जो कांड हुआ है, जिस तरीके से हत्याकांड किया गया है, सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बीच भी किस तरीके से इन दोनों को मार दिया गया 18 सेकंड में, जो 44 साल का जो अपराधी उनकी कहानी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पूरी अपडेट दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई, और क्या क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है इस पर भी हमें जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल भावना, यूपी के इतिहास में जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपने रिएक्शन में यही कह रही है कि आज तक इस तरह का घटनाक्रम यूपी के इतिहास में कम से कम उन्होंने नहीं देखा। ये सारी कहानी अतीक अहमद के लगभग 4 दशकों की, उसके पहले एक छोटे मोटे गुंडे बनने की, और उसके बाद उसके विधायक बनने, और उसके बाद उसका जो उसने अपना साम्राज्य फैलाया उसके महज 40 से 45 सेकंड में खत्म हो जाने की कहानी है। और जब से ये घटनाक्रम सामने आया है तब से पूरा देश स्तब्ध है। सवाल लाजमी तौर पर उठ रहे हैं हर जगह से कि कैसे खुलेआम एक अपराधी को मार दिया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो पुलिस अभिरक्षा में जो मारा गया है उस पर उठ रहा है। हमने देखा कल रात जब 10 बजे के बाद अचानक ये खबर सुर्खियां बनी तो हर कोई स्तब्ध था। हर कोई जिसके पास ये खबर पहुंच रही थी उसे पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में जब मीडिया कैमरों में कैद जो तस्वीरें वायरल होने लगी उसके बाद हर किसी को यकीन आया, और फिर लोगों ने यह समझा कि वाकई में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में मेडिकल के दौरान जब उसको ले जाया जा रहा था एक बाकायदा पुलिस अभिरक्षा का एक बड़ा घेरा था, लेकिन वहां पर 3 अपराधी आते हैं और अब तो इनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, उनको भी चौंका रहे हैं कि तीनों आदतन अपराधी थे, तीनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तीनों की हिस्ट्री रही है, और तीनों का अपने परिवारों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। अलग अलग इलाकों से ये तीनों लोग आते हैं और एक साथ एक मंसूबे पर इकट्ठा होकर ये उस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, तो इसलिए सवाल विपक्षी दलों की ओर से यही उठाए जा रहे हैं कि क्या अब अपराधियों में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। ये एक पक्ष है मामला। दूसरा पक्ष जो इसमें ये है वो है अतीक अहमद के खात्मे से जुड़ा हुआ पक्ष, जिसमें कई लोग एक तरह से, हालांकि सभी जुबान में हर कोई ये कह रहा है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, लेकिन भीतर ही भीतर हर कोई उनमें से ये जो तबका है वो एक तरह से संतोष भी कर रहा है 4 दशक खात्मा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में हम रहते हैं, कानून का राज है, लिहाजा इस पर सवाल उठने बड़े लाजमी है कि पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त की हत्या किस तरह से की जाती है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अरविंद कुमार जैन साहब जुड़ चुके हैं, बहुत ही खास मेहमान, एक्स डीजीपी है यूपी के। जैन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए इसमें अब जांच होगी, इसमें मुख्यमंत्री ने भी जांच के निर्देश दिए हैं, हर 2 घंटे में वो अपडेट ले रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त की मृत्यु के बाद पुलिस पर सवाल या निशान उठ रहे हैं, आपको लगता है ये सवाल सही है जैन सर? चैनल्स के कैमरे लगे थे, कैमरामैन थे, पत्रकार थे, ना किसी की तलाशी होती है, पिछले कई दिन से यही सिलसिला चल रहा है, ये बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। उसी आड़ में उन्होंने, क्रिमिनल्स ने इसको स्टडी किया, क्रिमिनल्स ने वही कैमरा लेकर और अपना माइक लेकर और वो भी उसमें सम्मिलित हो गए। तलाशी होती नहीं किसी की, क्योंकि तलाशी हो तो फिर उसके ऊपर एक बवंडर खड़ा होगा। अब देखिए, जो ऐसे में पुलिस की ड्यूटी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, पुलिस अगर रिटेलिएट फायर करती ये SLR से या 303 के वेपन से या 0.38 की रिवॉल्वर्स पिस्टल से, तो उसमें बहुत कैजुअलिटीज भी हो सकती थी। इन तीनों के अलावा मीडिया कर्मी भी घायल हो सकते थे, तो बहुत सोच समझ के तीनों को डिसआर्म किया गया और तीनों को कस्टडी में लिया गया। उससे भी बहुत सी मैं इसको ये नहीं कहता कि ये चूक नहीं है, चूक है, पर थोड़ा इसको समझना पड़ेगा किस परिपेक्ष में है। इसमें कोई जानबूझकर कोई गलती नहीं की गई है, ये बात आप लोगों को, सभी मीडिया कर्मियों को अवश्य समझनी होगी। उनका मैं समझता हूँ कि रिएक्शन लेने में टाइम लगा होगा, एक्सपेक्टेड नहीं किया होगा, लेकिन इस तरह से मीडिया कर्मी के बेस में कोई आ जाता है, वो भी हॉस्पिटल प्रिमाइसेस में, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन एक तरह
नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, होना यही चाहिए कि चाहे कोई पत्रकार आ रहा हो, किसी प्रतिष्ठित चैनल का हो, किसी का भी हो, उनकी सर्च होनी चाहिए। सबके बैग टंगे हुए हैं, पीछे बैग्स की भी सर्च नहीं हो रही है और लगातार आते चले जा रहे हैं, और मीडिया इतनी मीडिया की टीम्स लगी हुई हैं कि या तो फिर सबको बहुत दूर रोक दिया जाए, तो फिर उसमें ये सवाल खड़ा होगा कि लगता है पुलिस कुछ गड़बड़ करना चाह रही है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है। पहला, कि वहां पर किसी ने गन निकालने की भी सहमत नहीं उठाई जो पुलिस अभिरक्षा में जो रोकते हैं, और दूसरा जिस तरीके से तुरंत इन अभियुक्तों को सीट में बैठाकर ले जाया गया, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मिली भगत मैं जो कहूंगा हो सकता है मीडिया कर्मी उसको अन्यथा लें। ये लगातार जो मीडिया की टीमें चल रही हैं, स्कॉर्ट कर रही हैं, पायलट कर रही हैं, साबरमती तक जा रही हैं, साबरमती से यहाँ आ रही हैं, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो भी साथ में चल रही है, इस सबको बड़ा माइन्यूटली इन शातिर अपराधियों ने, मैं इनको बड़ा शातिर अपराधी कहूंगा जो तीनों हैं शूटर्स, ये कोई नए बच्चे नहीं है, ये बहुत शातिर किस्म के अपराधी हैं, इन्होंने पूरा स्टडी। एक सवाल जो आप कह रहे हैं कि पत्रकार बाकायदा पूरा नाम लश्कर के साथ इनको फॉलो कर रहे थे, अब सवाल इसमें तो ये आता है कि पत्रकार जब पूरे नाम लश्कर के साथ फॉलो कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी गुजरात फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत एक्सपेक्टेड हो जाता है पुलिसकर्मियों के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं करना, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से पत्रकारों का हुजूम वहां पर उमड़ आया हो और अचानक से पुलिस वाले अवाक रह गए। क्या है संभावना, देखिए देखिए दो आप कह रहे हैं वो जो पुलिस महकमे की जो अपनी मजबूरियां हैं उनको वो गिना रहे हैं, और स्वाभाविक है इसमें पुलिसकर्मी अपनी अपने बचाव में स्वाभाविक रूप से यही कहेंगे कि भाई मीडिया कर्मियों का हुजूम था, अगर हम मीडिया कर्मियों को रोकते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं रिपोर्टिंग से। दूसरा ये, लेकिन सवाल इतना इसमें लाजमी इसलिए है क्योंकि एक ऐसा अपराध 24 घंटे भी नहीं हुआ है, उसके उसके बेटे का एनकाउंटर हो जाता है और उसको दफ्ताने की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद एक ऐसा अपराधी जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे होने का मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम 400-500 तो आप मिनिमम इसके विरोधियों को समझ सकते हैं। अगर एक अपराध के पीछे अगर 4-5 लोगों ने भी रंजिश रखी होगी तो 400 से 500 अपराधी तो ऐसे ही हो गए।